हेलो क्लास सेवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजय एजुकेशन, अ राइट वे टू लर्निंग एंड सक्सेस। टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द फर्दर कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट साल्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू इंडिकेटर। आज हम लोग साल्ट और इंडक्टर ये इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये साल्ट क्या होता है। तो साल्ट एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट केमिकल सब्सटेंस होता है ना, जिसका शेप यूजुअली क्या होता है, सॉलिड होता है। और इसका शेप एक्चुअली बनता ये कैसे है, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आगे पढ़ोगे, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जब आपका एसिड और बेस जो है वो मिलता है, तब जाकर क्या बनता है, साल्ट बनता है ना। जैसे देख सकते हो, एसिड प्लस बेस तो साल्ट बनाया, प्लस वाटर दैट मीन्स H2O बनाया। क्लियर है? चलिए आगे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। सम एग्जांपल ऑफ साल्ट देख लेते हैं। यहाँ आपके पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या होगा फार्मूला, K2Cr2O7। आयरन टू सल्फेट होगा FeSO4। यहाँ कोबाल्ट टू क्लोराइड COCl2। नेक्स्ट टू एग्जांपल आपके पास है कॉपर टू सल्फेट दैट मीन्स CuSO4। फिर है निकल टू सल्फेट दैट मीन्स NiSO4। क्लियर है? चलिए सम आपके पास एग्जांपल है जिसमें ये आपका जो नेम है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर नहीं जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास सोडियम क्लोराइड, इसका नेम हम बता देंगे, सोडियम क्लोराइड किसके लिए यूज होगा, किचन साल्ट के लिए। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट मैटर फर्टिलाइजर, NaF सोडियम फ्लोराइड टूथपेस्ट में यूज होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट मैटर जिप्सम में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल सब्सटेंसेस। आखिर ये नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होता है, कहता है दैट सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, दैट मीन ना तो जिसका टेस्ट सोर हो ना तो बिटर हो। इसको जैसे एग्जाम्पल में सॉलिड की अगर बात किया जाए, शुगर हो गया कॉमन साल्ट, किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रल सब्सटेंस का। लिक्विड में बात किया जाए तो अल्कोहल बेंजीन वाटर है ना, ये सारा एग्जाम्पल जो है तीन वो आपका लिक्विड न्यूट्रल सब्सटेंस का है। और गैस में बात किया जाए तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ETC। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आप समझते हो ना, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आप लाइट इंडिकेटर होता है ना कोई व्हीकल में, तो मतलब एक संकेत देने का काम करता है ना, सिंबल देने का काम करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंडिकेटर जानते हैं, तो दूज सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर आर नोन एज इंडिकेटर। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना इंडिकेटर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है? तो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सम कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स आर, कुछ देखिए इंडिकेटर्स का मतलब ये हुआ कि दैट मीन्स वो एक टेस्ट ट्यूब की तरह काम करता है ना, उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि आप टेस्ट से तो पता कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैटर ये है कि हर चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ऐसे आपके पास केमिकल सब्सटेंस है जिसके टेस्ट करने पे आपका डेथ भी हो सकता है। अगर वो पॉइजनस है, अगर वो कोरेजिव है, तो आपको वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग इंडिकेटर के हेल्प से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है? चलिए तो ऐसे तो इंडिकेटर्स आपका टू टाइप का होता है, मतलब थ्री टाइप का होता है, इसका डिटेल स्टडी आप क्लास 10 में करोगे। लेकिन यहाँ भी आपको एक दैट मीन्स कॉन्सेप्ट के
जरिए आपको बताया जाएगा। तो इंडिकेटर्स आपका तीन टाइप का, एक हुआ नेचुरल जो कि क्या हो, डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेंड हो, अरे हाँ है ना। दूसरा आपके पास होता है मैनमेड या सिंथेटिक। तीसरा होता है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी समझ रहे हो, इसको स्मेल करके पता होगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर के बारे में। तो आपका एग्जांपल सबसे पहले लिटमस पेपर सॉल्यूशन है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आपका टर्मरिक, टर्मरिक आप समझ रहे हो हल्दी। और उसके बाद है चाइना रोज। ये तीन जो आपके पास है वो कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है। जबकि फिनोलेपथिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये आपके पास यहाँ लिखा नहीं है, मिथाइल ऑरेंज, ये सारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर आपका जो लिटमस पेपर है वो क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेंड होता है ना, उसके बाद वो कैसे इंडिकेटर के साथ, वो कैसे, दैट मीन्स इंडिकेटर तो है, वो कैसे एसिडिक और बेसिक सबस्टांस पे एक्ट करता है, कलर कैसे चेंज करता है, ऐसे टर्मरिक में भी देखेंगे और चाइना रोज में भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।